हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन 3 मई तक और बढ़ा दिया गया है, तो आपके क्या विचार हैं इस चीज़ पे? अपने कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपकी अगर प्रिपरेशन अफेक्ट हो रही है, आपको कोई असिस्टेंस चाहिए किसी भी फॉर्म में, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि मैं नहीं तो आसपास आपकी इतने ज़्यादा लोगों की कम्युनिटी है हमारी, कोई ना कोई तो सजेशन दे ही देगा. ठीक है, तो विद दैट नोट लेट्स बिगिन विद 13 अप्रैल का एनालिसिस. सो फर्स्ट आर्टिकल इज जीएस पेपर 1 का टॉपिक, व्हाट इज अर्थ सीज्मिक नॉइज. ठीक है, तो रिसेंट COVID-19 करके क्या है कि ट्रांसपोर्ट एंड ह्यूमन मूवमेंट बहुत कम हो रखी है. तो जो नॉर्मल सीज्मिक मूवमेंट क्या होती है, जो हमें ज्योग्राफी में पढ़ा है, जो मतलब वेव्स जनरेट होती हैं, ठीक है, पी वेव्स, एस वेव्स, ठीक है, वो सीज्मिक नॉइज को कंट्रीब्यूट करती हैं. ठीक है, तो ये वाली ज़्यादा सुनने लगी है क्योंकि अभी मूवमेंट कम है, बहुत कम है. ठीक है, तो अर्थ की जो टेक्टोनिक मूवमेंट है सीज्मिक वेव्स की जो है डिटेक्शन, वो ईजी हो पा रही है. ठीक है, ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे वाले साइंटिस्ट ने बोला है कि भाई अर्थ की सीज्मिक नॉइज में बदलाव आया है. ठीक है, एंड दे हैव ऑब्जर्व्ड अ 30-50% फॉल इन लेवल ऑफ एम्बिएंट सीज्मिक नॉइजेस. ठीक है, फॉल महसूस किया है उन्होंने, एंड क्योंकि बहुत ज़्यादा मूवमेंट, क्योंकि पहली बार बहुत सारी चीज़ों की मूवमेंट, ट्रक्स हो गए, हैवी लोड चीज़ें, इनकी मूवमेंट से ज़्यादा सीज्मिक वेव्स डिटेक्ट होती थी, पर अभी फॉल देखा गया है. ठीक है, एंड कोलैबोरेटिव स्टडी उन्होंने एस्टैब्लिश किया है सीज्मोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड कि भाई तुम्हारे यहाँ पे तो अलग नहीं आ रहा, क्योंकि टेक्टोनिक मोमेंट हर जगह अलग अलग डिफरेंट होती है, क्योंकि प्लेट्स का क्या पता, कोई कॉन्टिनेंट बिल्कुल ही प्लेट्स की बाउंड्री पे सिचुएटेड हो तो वहाँ पे ज़्यादा महसूस होगी. तो दिस इज द थिंग, तो उन्होंने कोलैबोरेशन की है. तो सीज्मिक नॉइज होती क्या है? सीज्मिक नॉइज रेफर्स टू रिलेटिवली परसिस्टेंस वाइब्रेशन ऑफ ग्राउंड. ठीक है, क्योंकि वेरियस कॉजेज हो सकते हैं, वाइब्रेशन होती है ग्राउंड की. अभी रिसेंटली अभी हम बोला जा रहा था कि कल परसों आई थिंक दिल्ली के आसपास के, दिल्ली वॉज द एपिसेंटर एंड थोड़ा हल्का सा भूकंप आया था. ठीक है, तो वही है सीज्मिक वेव्स, सीज्मिक नॉइस. सो इट इज द अनवांटेड कंपोनेंट ऑफ सिग्नल रिकॉर्डेड इन सीज्मोमीटर. तो कौन रिकॉर्ड करता है सीज्मिक नॉइसिस को? सीज्मोमीटर. ठीक है, कॉजेस क्या है? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी. ठीक है, नॉइजेस इंक्लूड वाइब्रेशंस. अब सीज्मिक नॉइजेस है तो उसमें क्या आएगा? वाइब्रेशन, जो किसकी वजह से हो सकती है? ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, ट्रांसपोर्ट की वजह से, मैन्युफैक्चरिंग की वजह से. ठीक है, एंड इसीलिए इन चीज़ों की वजह से, एंड अभी जैसा कि हमें देख रहे हैं कि ये सब चीज़ें कम हो गई है, तो सीज्मिक नॉइसेस में भी फॉल महसूस हुआ है. और ऑयल एक्सप्लोरेशन वगैरह में भी यहाँ पे भी मतलब सीज्मिक नॉइसेस पाई जाती है, क्योंकि ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए हमें डीप माइन करना पड़ता है, तो इसीलिए जितना डीप माइन करेंगे उतना ही वो जो वेव्स है वो ज़्यादा जनरेट होंगी. सो हाउ डू रिड्यूस्ड नॉइसेस हेल्प द साइंटिस्ट? दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, सीज्मिक नॉइस वाइब्रेशन कॉज्ड बाय ह्यूमंस आर ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी. ठीक है, हम जो नॉइस कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं सीज्मिक नॉइजेस, वो हाई फ्रीक्वेंसी की होती है, 1-100 हर्ट्ज के आसपास, एंड ट्रैवल करती है थ्रू द डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ. ठीक है, कोर, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, ठीक है, एंड क्रस्ट, हर किसी में से ट्रैवल करती हैं. एंड यूजुअली टू मेजर सीज्मिक एक्टिविटी एक्यूरेटली रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ सीज्मिक नॉइसेस. ठीक है, अब अगर हमें देखो, जो हम जो प्रोड्यूस करते हैं हम सीज्मिक एक्टिविटी 1-100 हर्ट्ज की होती है. ठीक है, अब इसमें 30-40% का फॉल आया है, और हमें एग्जैक्टली जो सीज्मिक नॉइसेज जो अर्थ जनरेट करती है उसके लिए हमें इन जो बाहरी सीज्मिक नॉइसेज है जो ह्यूमंस कंट्रीब्यूट करते हैं उसकी कम होने के बाद हम इजीली डिटेक्ट कर पाते. तो अभी जो है जियोलॉजिस्ट, उनके पास बहुत अच्छा मौका है, वो इसको डिटेक्ट करवा सकते हैं. एंड उससे उसके लिए उन्होंने डिटेक्टर्स को कहाँ रखा है? 100 मीटर्स बिलो द अर्थ सर्फेस. ठीक है, अर्थ सर्फेस के नीचे क्रस्ट में 100 मीटर्स बिलो रखा है ताकि वो डिटेक्ट कर सके. However, since lockdown, researchers have to say they were able to study natural vibrations. बोला जा रहा है कि लॉकडाउन के बाद नेचुरल वाइब्रेशन ज़्यादा सुन रही हैं. ठीक है, क्योंकि जो सीज्मिक नॉइसेस बाहर ह्यूमन जनरेटेड है वो बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से वो स्मॉलर से स्मॉलर अर्थक्वेक को भी डिटेक्ट कर पा रहे हैं, जो पहले स्लिप हो जाती थी क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता था. ठीक है, तो दिस इज द थिंग अर्थ सीज्मिक नॉइसेस के बारे में. देन इज अबाउट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग. ठीक है, तो दिस इज अ वेरी गुड, मतलब एक डेवलपमेंट है. जो जॉइंट है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी जीटेक जॉइंट है, एप्पल एंड गूगल, उन्होंने बोला है कि भाई हम तुम्हारी मदद करेंगे ग्लोबली कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में. जो सरकार ने क्या मतलब हमारा की कॉन्टैक्ट किया है कि भाई जिस बंदे को COVID-19 से इन्फेक्टेड है, ठीक है, उसके हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराएंगे, वो किस किस बंदे से मिला है, फिर उनको और उस बंदे को, दोनों को आइसोलेट कर देंगे. तो ये वाली चीज़ है. ठीक है, तो इससे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से कौन मदद कर सकता है? एप्पल और गूगल कैसे मदद करेंगे कि भाई आजकल हर किसी के पास फोन होता है. ठीक है, तो जैसे हमारा आरोग्य सेतु ऐप भी है, जो मतलब इंडियन इंडिजिनसली बनाया है, उसमें भी सेम चीज़ है. ब्लूटूथ के वायर डिटेक्ट हो जाएगा कि भाई तुम जिस बंदे से, किस बंदे से मिले हो, और उसके पास कितना चांसेस है तुम्हें इन्फेक्ट करने का, या तुमसे उसको इन्फेक्ट होने के कितने चांसेस हैं बेस्ड ऑन योर सिम्टम्स. ठीक है,
तो सेम थिंग एप्पल और गूगल ने बोला है कि हम टैकल करने के लिए हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे टेक्नोलॉजी. दे आर बिल्डिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन दैट इंक्लूड एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस एपीआईज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बता रखा है. नीड फॉर क्या है कि भाई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्योंकि एसेंशियल हो चुका है इस एपिडेमिक को कंट्रोल में लाने के लिए ताकि हमें पता चल जाए. एंड आइडेंटिफाइंग पीपल एट ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स इज वेरी नेसेसरी ताकि जो दूसरे लोगों और लोगों को वो एक्सपोज ना कर पाए. कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से क्या होगा, जो पर्सन है जो कैरी कर रहा है डिजीज को वो भी अलर्ट हो जाएगा, आइडेंटिफाई कर सकेंगे उसको इजीली एंड दूसरे लोगों को भी वो कम फैलाएगा चीजें. एंड फ्रॉम टाइलोस आइसोलेशन एंड एडमिशन ऑफ सिम्टोमेटिक पर्सन डिक्रीजेस द डिले ऑफ सपोर्टिव ट्रीटमेंट. ठीक है, अब अगर फटाफट हम उसको अर्ली स्टेज पे हम उसके सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करके उसको आइसोलेट कर देंगे तो हमें जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है उसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे कि वेंटिलेटर्स वगैरह की. इससे क्या होगा, उसका सर्वाइवल बढ़ेगा क्योंकि वेंटिलेटर पे जाने के बाद इंसान के बहुत ही कम चांसेस रह जाते हैं बचने के. देन वॉट इज कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या होता है. WHO defines contact tracing as process of identifying, assessing and managing people who have been exposed to disease to prevent onward transmission. कि भाई identify करेगा, assessment करेगा disease का, ठीक है, and ऐसे ऐसे लोगों का जो affected है इस disease से. So how will coronavirus new technology Apple work, कैसे work करेगी. जैसे कि आरोग्य सेतु app है same उसी तरीके से फोन बेस्ड मैचिंग होगा. ठीक है, फोन बेस्ड मैचिंग होगा कि भाई मान लो ये बंदी है, इसका एग्जांपल है एलिस को लगा कि भाई उसने किसी कॉन्टेजियस पर्सन को ट्रीट का मतलब उससे कॉन्टैक्ट में आ गई तो उसकी फोन पे एकदम से ऐसे नोटिफिकेशन आएगी कि भाई तुम एक बंदे से ऐसे मतलब कॉन्टैक्ट में आई हो एंड यू शुड कंसल्ट योर इमीडिएट हेल्थ केयर सर्विस. एंड फिर ये वाली चीज़ आएगी एंड फिर वो अपने हेल्थ जो भी मतलब उससे रिलेटेड सजेशंस है वो पॉपअप होंगे एंड इससे वो उस अर्ली मतलब हेल्थ केयर सिस्टम को अप्रोच कर पाएगी. सो दिस इज द थिंग. COVID-19 पेशेंट्स वुड हैव टू डिक्लेयर देयर स्टेटस एंड इन द टू द रिस्पेक्टिव ऐप वॉलेंटरी. ठीक है, जैसे हमारा आरोग्य सेतु है उसमें बताना पड़ेगा कि भाई अभी मेरे को फीवर है, नहीं है, खांसी है, नहीं है, तो सब बताना पड़ेगा. फॉलोइंग दिस ऑल पीपल हुज एंड्रॉयड या फिर iOS स्मार्टफोन्स वर डिटेक्टेड नियर बाय सच पेशेंट्स वुड गेट नोटिफाइड. मान लो अभी ऐसा बंदा है, उसने ऐसे डिक्लेयर कर दिया, उसके साथ 5 बंदे हैं तो मान लो ये इन्फेक्टेड है मतलब ठीक है ऑन द मतलब उसने ऐसा कुछ सिम्टम बताए तो इन पांचों के पास एकदम से नोटिफिकेशन जाएगा कि भाई तेरे पास कोरोना वायरस वाला है, भगलो 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 यहाँ से, तो ये वाली चीज बताएगा. ठीक है, एंड दिस मीन्स यू विल बी नोटिफाइड इवन इफ यू आर अराउंड अ स्ट्रेंजर. मतलब जरूरी नहीं है इसके लिए आपको कि वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में होना चाहिए, स्ट्रेंजर से भी आपको बताएगा. तो ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है एंड इससे क्या होगा, ब्लूटूथ बेस्ड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बिल्ट होएगा एंड्रॉयड में एंड iOS प्लेटफॉर्म्स में. ठीक है, एंड यूजर्स विल बी एबल टू यूज द फीचर विदाउट डाउनलोडिंग द ऐप एज वेल. नेक्स्ट में मतलब फर्दर अप्रोच में क्या करेंगे कि ब्लूटूथ से ही जोड़ देंगे. पहले अभी तो आरोग्य सेतु से जुड़े हैं, फिर बाद में ब्लूटूथ से ही जोड़ देंगे. ब्लूटूथ ऑन रहेगा तो पता चल जाएगा जो मेरे आसपास स्ट्रेंजर है वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं नहीं कोविड के लिए. सो दिस इज द थिंग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बारे में. तो फंडा आपको समझ में आना चाहिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक्जैक्टली होता क्या एंड हाउ विल दिस न्यू टेक्नोलॉजी वर्क. बाकी तो जब आएगी वो हम देख लेंगे. देन हु आर डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ WTO. WTO इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, एंड इसके बारे में आप मुझे प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना. तो US ने बोला है कि WTO रूल्स बदलो भाई. ये चाइना वाले बोल रहे हैं कि चाइना क्योंकि चाइना तो डेवलपिंग कंट्री स्टेटस में, तो US इज लाइक ये डेवलपिंग कंट्री है तो फिर तो मैं भी डेवलपिंग में हूँ, मेरे को भी डेवलपिंग में होना चाहिए. ठीक है, तो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जिद पकड़ ली है. सो शुड चाइना स्टिल बी क्लासिफाइड एज डेवलपिंग नेशंस, व्हाट आर द इंप्लिकेशंस. चाइना कब WTO का मेंबर बना था, 2001 में. तो 2011 के आते आते अप्रॉक्स इन द 10 ईयर्स चाइना सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया इन टर्म्स ऑफ GDP एंड फर्स्ट लार्जेस्ट मर्चेंडाइज एक्सपोर्टर, क्योंकि उनका ज्यादा काम एक्सपोर्ट का ही है, एंड फोर्थ लार्जेस्ट कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्टर. ठीक है, एंड फर्स्ट डेस्टिनेशन ऑफ इनवर्ड FDI. FDI इज फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो बाहर के लोग हैं जो वो चाइना की कंपनीज में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने लग गए. ठीक है, तो फर्स्ट डेस्टिनेशन हो गई FDI की, तो ऑब्वियसली वहाँ पे डॉलर का इन्फ्लक्स ज्यादा आने लग गया एंड इट बिकेम अ डेवलप्ड कंट्री. ठीक है, मतलब एलिजिबली डेवलप्ड बनी, पर WTO में अभी भी वो डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस लिए हुए हैं. सो इफ चाइना को अगर बोला जाएगा, ठीक है, चाइना को बोला जाएगा कि भाई अपनी डेवलप्ड से डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस हटाओ तो ये वाली चीज होगी. तो डेवलपिंग कंट्रीज है क्या WTO की, पहली बार WTO ने कोई डिफाइन नहीं कर रखा कौन है डेवलप्ड एंड कौन है डेवलपिंग. मेंबर खुद से ही अनाउंस करते, जैसे इंडिया है खुद से अनाउंस किया कि भाई मैं डेवलपिंग हूँ, चाइना ने भी अनाउंस किया, पर US ने अपनी चौड़ में आगे कहा मैं डेवलप्ड कंट्री हूँ. ठीक है, तो वो अनाउंस करते हैं, पर क्या है कि अदर मेंबर कैन चैलेंज, जो उसके मेंबर्स होंगे वो चैलेंज कर सकते हैं कि ना भाई अब तो इसकी कंडीशन इंप्रूव हो चुकी है, 10 साल 15 साल WTO के मेंबर हो आप, फिर कुछ टाइम बाद आपकी कंडीशन इंप्रूव होती है, यू सर्टनली बिकम अ डेवलप्ड कंट्री, तो इंप्रूव हो गए एंड आप
आपको डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस हटा देना चाहिए। तो आप खुद का उनका कोई डेफिनेशन नहीं है याद रखना, पर खुद वो डिक्लेयर करते हैं हम डेवलपिंग है डेवलप्ड है, और फिर जो बाकी के मेंबर्स हैं वो उसको चैलेंज कर सकते हैं डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स। सो एडवांटेजेस क्या डेवलपिंग कंट्री स्टेटस के, तो आपको पता ही है। तो स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रोविजन, ट्रीटमेंट दिया जाता है स्पेशल भी और डिफरेंशियल भी, दोनों ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे क्या क्या दिए जाते हैं, जैसे कि कमिटमेंट और एग्रीमेंट जो भी होता है, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया किसी भी चीज़ का, तो उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाता है कि भाई तुम चलो बाकी कंट्री 10 साल में करें, तुम 12 साल में कर लेना ये टारगेट अचीव, हम तुम्हें फंड भी ज़्यादा दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, उनकी ट्रेड इंटरेस्ट को भी सेफ गार्ड किया जाता है। ठीक है, एंड कैपेसिटी को बिल्ड करने में भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो इनकी मदद करती है, इनको लोन वोन भी इजीली मिल जाता है। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स है, ठीक है, फॉर रिकॉग्निशन ऑफ डेवलपमेंट डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है जो कंट्रीज है उसके मेंबर्स है, डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, तो अनइवन लेवल ऑफ डेवलपमेंट है क्योंकि तभी उसने क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ी। ठीक है, एंड आर्टिकल 18 ऑफ द जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड ने बोला है कि भाई अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एग्रीमेंट वुड रिक्वायर फैसिलिटेशन, फैसिलिटेटिंग द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ दोज कंट्रीज दैट कैन ओनली सपोर्ट लो लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, और एट आर अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, तो ये उसका मतलब एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है। तो कंट्रीज को सेल्फ डेजिग्नेट करना पड़ेगा एज डेवलपिंग कंट्रीज ताकि वो इस चीज़ का एडवांटेज ले सके, और जो दूसरे स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है प्रोविजन है उनका भी वो एडवांटेज ले सके। तो दीज प्रोविजन आर एम्ड एट इंक्रीजिंग ट्रेड अपॉर्चुनिटीज, ये हम पढ़ेंगे अभी। देखो इधर आ गए, व्हाट आर द स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। सबसे पहले लॉन्गर टाइम पीरियड मिलता है उनको ऐसे जो एग्रीमेंट्स और कमिटमेंट है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, मेजर्स टू इंक्रीजिंग ट्रेड अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, उनको ट्रेड अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती है क्योंकि जो वहां से जो एक्सपोर्ट करते हैं वो जो डेवलपिंग कंट्रीज अपना सामान उस पर जो डेवलप्ड कंट्रीज कम टैरिफ लगाएंगी या उनको छूट दे देंगे किसी चीज में, तो उनको ट्रेड अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती है। ठीक है, प्रोविजन्स रिक्वायरिंग ऑल डब्ल्यूटीओ मेंबर्स टू सेफगार्ड द ट्रेड इंटरेस्ट, तो इनका जो इंटरेस्ट है वो आपको सेफगार्ड करना पड़ेगा। डब्ल्यूटीओ के सभी मेंबर्स को बोला जाता है कि भाई इनका थोड़ा ध्यान रखो, छोटा बच्चा ही है अभी। तो सपोर्ट टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज बिल्डिंग द कैपेसिटी टू कैरी आउट डब्ल्यूटीओ वर्क। ठीक है, जो इस तरीके की मतलब सपोर्ट मिलेगा उसको बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से ताकि वो कैपेसिटी को हैंडल कर सके, डिस्प्यूट्स को हैंडल कर सके जो अराइज होंगी इस चीज में। एंड प्रोविजन रिलेटेड टू लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज मेंबर्स, तो मैं बताऊंगी आगे कौन सी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन रेसिप्रोकल डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, तो नाम से समझ में आ रहा है नॉन रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, अदला बदली, मैं तेरी मदद कर दी तो मेरी मदद कर देगा, पर ये क्या है नॉन रेसिप्रोकल प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है इस डिफरेंशियल ट्रीटमेंट में। ठीक है, इसका अंडर क्लॉज है ये। तो नॉन रेसिप्रोकल प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मीन्स कि अगर हमें मान लो एग्जाम्पल दे रही हूँ कि यूएस से हमें बेनिफिट्स चाहिए, ठीक है, GSP था, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, उसके तहत हम उनसे बहुत बार हमने बहुत सारा कंसेशन लिया है यूएस से ट्रेड में। ठीक है, वो हम पे कम टैरिफ लगाते थे जो दूसरी कंट्रीज के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री थे। ठीक है, तो उसके तहत लगाते थे, पर ये नॉन रेसिप्रोकल था। ठीक है, मतलब एग्जांपल दे रही हूँ, यूएस इनडायरेक्टली तो हम पे इन्फ्लुएंस करता ही था, बट दिस वॉज नॉन रेसिप्रोकल। यूएस नहीं बोलता था कि भाई तुम हमारे वालों पे भी लगाओ। ठीक है, तो इनिशियली दिस वॉज नॉन रेसिप्रोकल कि भाई चल तू डेवलपिंग है, मैं तेरा ख्याल रखूंगा, मैं नहीं मांग रहा तुझसे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट पर मैं तुझे दूंगा, तो दिस इज नॉन रेसिप्रोकल प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। ओके, देन डिमांड्स बाय डेवलप्ड कंट्रीज बोले कि भाई बहुत हो गया, ठीक है, अब इनको करवाओ। ठीक है, बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज बोल रहे, जैसे यूएस वगैरह बोल रहे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनका नाम हटाओ। कुछ दिन पहले तो इंडिया का भी बोला था कि डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस हटाओ, नाउ इंडिया इज अ डेवलप्ड कंट्री, तो ये बोला गया। एंड नियरली 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ डब्ल्यूटीओ हैव बीन एबल टू अवेल दिस स्पेशल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इसके तहत मतलब काफी लोगों ने इसका फायदा उठा चुका है। तो अब यूएस एंड बाकी डेवलप्ड कंट्रीज कह रहे हैं कि बहुत हो गया, अब इनको हटाओ यहाँ से। तो डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, ये एग्जाम्पल है। इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया आर डेवलपिंग। डेवलप्ड में यूएस, यूरोपियन यूनियन, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। लीस्ट डेवलप्ड इंपॉर्टेंट है, हमारे आसपास के सारे पड़ोसी अप्रॉक्स आर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल एंड साउथ सूडान। ठीक है, तो ये वाली और मोस्टली अफ्रीका की काफी सारी कंट्रीज आर इन द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज आल्सो। ओके, देन इज अबाउट एमएसपी फॉर एमएफपी। एमएफपी इज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एमएसपी इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, तो ट्राइफेड, हाँ, और दूसरा क्वेश्चन आपका ट्राइफेड से रिलेटेड है, ट्राइफेड के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो ट्राइफेड ने स्टेट नोडल एजेंसीज को बोला है ताकि कि भाई आप इनिशिएट करें प्रोक्योरमेंट फ्रॉम अवेलेबल फंड्स। ठीक है, जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं वो बनवा रहे हैं, जो उन्होंने अपने पास रखा हुआ है, तो आप उसको प्रोक्योर करना, आप उसको खरीदना स्टार्ट करो, नोडल एजेंसीज को बोला है। सिग्निफिकेंस क्या होएगा, जो लॉकडाउन का इंपैक्ट है वो ऐसे लोगों पर कम पड़ेगा, उनको थोड़ा पैसा मिलेगा तो वो खर्च कर सकेंगे। ठीक है, एंड फिर वो खरीदेंगे चीज़ें और उनका लाइवलीहुड
बेटर हो सकेगा एटलीस्ट, ठीक है। एंड स्कीम ये है क्या स्कीम एग्जैक्टली, MSP थ्रू MSP, ठीक है। ये जो स्कीम है यूनियन कैबिनेट की स्कीम है, 2013 में आई थी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। इसका मतलब कुछ शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और कुछ शेयर स्टेट गवर्नमेंट देगी, ठीक है। तो मार्केट, ताकि वो मार्केटिंग कर सके ऑफ द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे कुछ हो गए, फल फ्रूट हो गए, ठीक है, बास्केट्स बना ली उन्होंने इस तरीके की माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से चीज़ें, ठीक है। तो टिम्बर नहीं आता है इसमें, तो बहुत सारी ऐसी जो फॉरेस्ट से वो मतलब विड्रॉ करके जो ट्राइबल लोग कुछ प्रोड्यूस क्रिएट करते हैं, दैट इज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो दिस वॉज मेजर टुवर्ड्स सोशल सेफ्टी ऑफ MSP गैदरर्स, ताकि उनकी सोशल सेफ्टी इंश्योर हो सके, क्योंकि ये सारे ट्राइबल लोग कहाँ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज में या फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म नक्सलवाड़ी तरीके के इलाकों में लोग हैं, ताकि ये थोड़ा गवर्नमेंट के साथ जुड़ सके एंड जो इनकी लाइवलीहुड थोड़ा इंश्योर हो सके। स्कीम में अभी इतना पैसा है, इतना सरकार ने दिया, इतना स्टेट ने दिया, तो आप समझ सकते हैं कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। की फीचर क्या है, ट्राइबल पॉपुलेशन को अपने रिम्यूनरेटिव प्राइसेस मिले, जो मतलब प्राइसेस दे डिजर्व तो उनको मिले। एस्टैब्लिशमेंट अ सिस्टम ऑफ फेयर मॉनिटरी रिटर्न्स फॉर द फॉरेस्ट ड्वेलर्स एफर्ट, कि भाई जितना वो एफर्ट लगा रहे हैं उनको फेयर मॉनिटरी रिटर्न्स होना चाहिए, कि भाई 100 रुपये की चीज़ है तो उनको 100 रुपये मिलना चाहिए, नहीं 100 रुपये की चीज़ आप 10 रुपये में, जो मतलब अगर ये प्राइवेट के अंडर होता तो वो प्राइवेट वाले तो 10 रुपये में खरीदते, तो उनको फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइसेस मिलने चाहिए एंड उनका जो शेयर ऑफ रेवेन्यू है जो वो डिजर्व करते हैं, दे नीड टू गेट इट। तो कवरेज क्या है, इनिशियली तो इसको सिर्फ 8 शेड्यूल्ड एरियाज में ही लाया गया था, 8 स्टेट्स में ही, एंड फिक्स्ड MSP पहले फिक्स कर दिया था फॉर ओनली 12 माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, पर लेटर इसको एक्सपेंड कर दिया सारी स्टेट और यूटी के लिए। एंड अभी जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस 40 आइटम्स को इसमें इंक्लूड किया है, तो 12 से 40 हो गए एंड 8 से सारी स्टेट्स एंड यूटीज इंक्लूड हो गई। तो इंप्लीमेंटेशन क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परचेसिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस विल बी विद स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया नोडल एजेंसी को बोला गया है, ठीक है। एंड टू असर्टेन मार्केट प्राइसेस सर्विसेज ऑफ मार्केट कॉरेस्पॉन्डेंट वुड बी अवेल्ड बाय द डिजिग्नेटेड एजेंसीज, ठीक है। तो मार्केट कॉरेस्पॉन्डेंट को भेजेंगे कि भाई जाके खरीद के लेके आओ, ठीक है। एंड स्कीम सपोर्ट प्राइमरी वैल्यू एडिशन एज वेल एज प्रोवाइड्स फॉर सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। प्राइमरी वैल्यू एडिशन भी पहले खरीद भी लेगी, या फिर अगर किसी चीज़ को वेयर हाउसेज या कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है वो भी अवेलेबल कराती है। कौन कराएगा ये चीज़, इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम एंड विल बी, और टेक्निकल हेल्प कौन करता है, ट्राइफेड, ठीक है। ट्राइफेड के बारे में आप मुझे प्लीज बताना कमेंट सेक्शन में। देखो यार, रोज मैं लेक्चर्स लेके आ रही हूँ, थोड़ा आपको भी एफर्ट करना पड़ेगा, रिवाइज करो। आप अगर कमेंट करोगे तो आपका ही फायदा है, ठीक है। मेरा कुछ नहीं जाता, मैं ट्राइफेड के बारे में मैं भी बता देती तो मेरा कुछ नहीं जाता, तो आपकी ही प्रैक्टिस होगी। कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन प्लीज आप भी दिया करो, है ना। तो सिग्निफिकेंस क्या है स्कीम का, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑल्सो नोन एज नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे कि मैंने बताया कि MFP में टिम्बर नहीं आता है, ठीक है। इट इज नॉट अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है एंड इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, जो मतलब वहाँ के लोग हैं, ट्राइबल एरियाज में लोग हैं, तो वो मोस्टली शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, तो उनको असेंशियल फूड, न्यूट्रिशन, मेडिसिनल नीड्स के लिए कैश की जरूरत है एंड कैश इनको इसी चीज़ से मिल सकता है। एंड अप्रॉक्स इनसे 100 मिलियन लोगों को फायदा हुआ है, तो ये अच्छी बात है। इट इज़ हाईली डिस्पर्स स्पेशियसली बिकॉज ऑफ पुअर एक्सेसिबिलिटी, तो हाईली डिस्पर्स है मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पाए एंड मार्केट इतनी ज़्यादा वहाँ पे डीपन नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत जगह लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले इलाके भी है, तो वहाँ पे ये ऐसे लोग ही नहीं जो मतलब ऐसे एक्सट्रीमिज्म में इन्वॉल्व हैं, वो ही सरकार की स्कीम बहुत बार पहुँचने नहीं देते हैं लोगों तक। तो दिस इज ऑल्सो अ थिंग यू कैन राइट इन द क्रिटिसिज्म ऑल्सो, ठीक है। तो ये जब कभी आए कि भाई सरकार ने क्या किया, तो ये MFP विद MFP MSP आप लिख सकते हैं। देन इज अबाउट नॉवल ब्लड प्लाज्मा थेरेपी फॉर COVID-19, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, तो मैं आपको इसका पूरा ओवरव्यू दे देती हूँ कि भाई देखो क्या प्लाज्मा थेरेपी बोला गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसके तहत जो रिकवर्ड पेशेंट है, हमारी बॉडी, मैंने आपको बताया हमारी बॉडी में क्या कैपेसिटी होती है, वो शरीर वो बीमारी से लड़ सकती है, तभी तो ये कोरोना वायरस के पेशेंट ठीक हो पाए हैं, ठीक है। मतलब इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर तक शक्ति है, शक्ति क्या है भाई, एंटीबॉडीज हैं, ठीक है, हमारी बॉडी से प्रोड्यूस हो रही है इसलिए एंटीबॉडीज, और बाहर से कोई कीटाणु आएगा उसे एंटीजन कहते हैं, तो एंटीबॉडी हमारी बॉडी से प्रोड्यूस हुई तो एंटीबॉडी, ठीक है, जो कीटाणु को मतलब एंटीजन को मारेगी, ठीक है। तो हमारे मतलब अगर किसी बंदे को वो ठीक हो गया, इसका मतलब उसके ब्लड में एंटीबॉडी है, तो वो एंटीबॉडीज अगर किसी बीमार आदमी के शरीर में चली जाए, इसका मतलब तो शायद उसको भी ठीक कर देंगे। तो यही वाले मतलब थ्योरी से कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी बनाया गया है। इसमें क्या बोला है कि किसी बंदे का हम खून एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, और उसमें से जो एंटीबॉडीज हैं, जो सीरम है बेसिकली कॉन्वलेसेंट सीरम, उसको हम इंजेक्ट कर देंगे। तो सीरम क्या होती है, पहले होता है ब्लड, ब्लड में क्या होता है, ब्लड में क्या होता है, एक तो होता है 45% और एक होता है 55% कॉन्स्टिट्यूएंट। जो 55% कॉन्स्टिट्यूएंट है वो होता है प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा होता है 55% हमारे ब्लड में, ठीक है, व्हाइट येलो कलर का थिक फ्लूड होता है। 45% क्या होते हैं, RBC,
ठीक है, WBC और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये होता है आरबीआई, ये 45% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और 55% इज प्लाज्मा। अगर इस प्लाज्मा में से हम क्या कहते हैं फिब्रिनोजन माइनस कर दें, फिब्रिनोजन इज यूज फॉर क्लोटिंग, ठीक है। अगर हम फिब्रिनोजन को माइनस कर दें तो क्या बन जाता है, सीरम, ठीक है। तो वो सीरम बनता है और फिर ये जो सीरम है इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। हम नॉर्मली बंदे से तो ब्लड एक्सट्रैक्ट करेंगे, पर हम इसको प्रोसेस से सीरम बना के किसी में भी इंजेक्ट कर सकते हैं। अब हमें सीरम क्यों, हम डायरेक्ट ब्लड क्यों नहीं डाल सकते? अब आपको भी पता है ब्लड में क्या है, WBCs है। WBC क्या है कि मतलब एकदम से एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स देंगी, क्योंकि वो नहीं चाहेंगी, ठीक है, मतलब किसी और के खून में चली जाएंगी तो वो बंदे की एंटीबॉडीज एक्टिवेट हो जाएंगी, भाई ये तो बाहर वाली चीज आ गई, एंड दे विल हाईली रिस्पॉन्स टू दैट। ऊपर से मतलब बहुत बार दिस इज नॉट मतलब कन्वीनियंट, क्योंकि RBC भी होंगे। RBC क्या होता है कि सेम ब्लड ग्रुप, मान लो मेरा बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो जरूरी थोड़ी जो बंदा ठीक हुआ उसका भी बी पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो ये वाली चीज को कंटेन करने के लिए हम सीधा ब्लड की बजाय सीरम डालना प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो सीरम में जो एंटीबॉडीज होंगी वो अफेक्ट करेंगी, एंड दिस इज अ पैसिव इम्यूनाइजेशन, टाइप ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो मैं आपको बता देती, दो तरीके की इम्यूनाइजेशन होते हैं, एक होते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन, एक होते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव क्या होता है कि भाई हमारी बॉडी खुद डेवलप करे इम्यूनिटी, जैसे हम वैक्सीन डालते हैं, वैक्सीन में क्या होता है लाइव या फिर वीकेंड सॉर्ट ऑफ मतलब एंटीजन या फिर वायरस या बैक्टीरिया, वीक सोर्स ऑफ होते हैं। तो वो वीक जब हमारी बॉडी में आ गई तो हमारी बॉडी ने खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट किया कि भाई मैं इसको तो नहीं छोड़ूंगा, इसको तो मैं हरा के रहूंगा, तो उसने एंटीबॉडी प्रोड्यूस की। तो ये एक्टिव है, इसका मतलब एक्टिवली हमारी बॉडी ने पार्टिसिपेट किया। पर पैसिव क्या होता है, हमारी बॉडी में लड़ने की शक्ति नहीं है कि भाई बाहर से ही डाल दो। मान लो कि सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया तो हम एक्टिव करेंगे या पैसिव करेंगे? पैसिव करेंगे, क्योंकि भाई बंदा मरने की कगार पे है, मरने की कगार पे है, तो उसको पैसिवली चाहिए कि भाई उसको तो दे दो अभी, जो भी जो मतलब जो मर्जी चाहे, मतलब कितना ही स्ट्रांग दे दो, पर उसको ऐसी वैक्सीनेशन दो जिससे वो एकदम ठीक हो जाए। तो दैट इज पैसिव। तो ये जो एग्जाम्पल है कॉन्वलसेंट सीरम का, ये पैसिव इम्यूनाइजेशन है, क्योंकि अभी हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज रिक्वायर्स पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो दिस इज अ थिंग। सो वेन वट इज प्रीवियसली यूज कि भाई हमारे पास एंटीबॉडीज एंटीबायोटिक्स तो बहुत है, जैसे पेनिसिलिन अमोक्सीसाइक्लिन, बट हमारे पास एंटीवायरल्स नहीं है, जिसकी वजह से जब भी ये एंटीवायरल्स का ब्रेकआउट होता है हमें हम पैनिक कर जाते हैं। एंटीबायोटिक्स तो है तो ये कंटेन हो जाती है बैक्टीरियल डिजीजेस। तो H1 ये जो सीरम वाली चीज़ है ये कब यूज हुई है, H1N1 जो इन्फ्लुएंजा वायरस बढ़ा था, इबोला आउटब्रेक था 2018 में, तब भी इसको यूज किया गया था एंड ये काम करता है। तो एंटीबॉडीज कब तक रिमेन रहेंगी, एंटीबॉडी सीरम इज गिवन, इट विल स्टे इन द रिसिपिएंट फॉर 3 to 4 days, ठीक है, एंड तब वो फिर वो रिकवर होगा। तो इससे क्या होगा, जो ठीक हुआ बंदा उसकी बॉडी की एंटीबॉडी है वो वहाँ पे तो ही है ही है, वो जो बीमार में डाल देंगे सीरम तो वो वहाँ जाके काम करेंगे। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन, तो याद रखना, ठीक है। तो पैसिव में क्या होता है, वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड एंड इम्यून सिस्टम प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, सो प्रोटेक्शन टेम्प्रेरी होती है, जबकि वैक्सीनेशन प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया एक्टिव में होता है ना, वो एक्टिव में लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड हो जाती है, क्योंकि हम मतलब किसी चीज़ की BCG की वैक्सीन लगी तो हम इम्यून रहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के पास मेमोरी है, हमारी बॉडी ने खुद वो चीज़ें मतलब लड़ धड़ के पाई है, ठीक है। तो और पैसिव में क्या होता है कि उसको मिली है कहीं बाहर से तो वो ज़्यादा लास्ट लॉन्ग नहीं करती। तभी बोलती हूँ कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, प्लेटफॉर्म पे कमेंट करो, जो एक्टिव पार्टिसिपेट करेगा वही UPSC क्लियर करेगा। सो दिस इज द थिंग। सो सीरम ऑप्टेन किसने किया था, 1890 में पहली बार ऑप्टेन किया था, फर्स्ट एवर नोबल प्राइज मिला था 1901 में। सो दिस इज अ स्मॉल फैक्ट। देन इज अबाउट फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश के बारे में आपने रिसेंटली सुना था कि एक फ्लाई ऐश डाइक कोलैप्स कर गया, ठीक है, तो जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की डेथ हो गई, मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में है। तो रिलायंस पावर अल्ट्रा मेगर पावर प्रोजेक्ट था, उनके यहाँ फ्लाई ऐश था। फ्लाई ऐश क्या होता है, बेसिकली इट इज़ अ कोल कंबशन प्रोडक्ट जो बचता है आफ्टर कंबशन ऑफ कोल, कोल को जला देते हैं उसके बाद जो बचता है दैट इज फ्लाई ऐश, ठीक है। कंपोज ऑफ पार्टिकुलेट्स दैट आर ड्राइवन आउट ऑफ कोल्ड फायर, मतलब बेसिकली कोल को जलने के बाद जो बचता है दैट इज फ्लाई ऐश, ठीक है। तो इसमें कोल के थोड़े थोड़े कंपोनेंट रहते हैं एंड बाकी क्या सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये तीनों चीज़ जो मेन चीज़ है वो रहती है। तो SiO2, Al2O3 एंड कैल्शियम ऑक्साइड रहता है। माइनर क्या होते हैं, आर्सेनिक, बेरिलियम, बोरोन, कैडमियम, तो हर तरीके का गंध मिलता है फ्लाई ऐश में, एंड ऑल्सो इसमें अनबर्न कार्बन भी होता है जो नहीं जल पाया। तो हेल्थ एंड एनवायरमेंटल हैजार्ड क्या है, क्योंकि इसमें टॉक्सिक हैवी मेटल है, जैसे मैंने बताया निकल, कैडमियम, आर्सेनिक वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। रेडिएशन एमिट करता है, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्लाई ऐश में 100 times मोर रेडिएशन होते हैं दैन न्यूक्लियर वेस्ट। तो दिस इज अ थिंग कि भाई ये बहुत हैजार्डस है। वाटर पॉल्यूशन कॉज करेगा, क्योंकि भाई कितना रेडिएटिंग सब्सटेंस है वो मतलब वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज हो जाएगा, तो इन्वायरमेंट पे भी वो वैसे ही अफेक्ट करता है।
तो फ्लाई ऐश को यूज कैसे किया जा सकता है कंक्रीट प्रोडक्शन में, ठीक है, मतलब जो पोर्टलैंड सीमेंट और सैंड का मतलब एक सब्सटीट्यूट की तरह यूज किया जा सकता है, कंक्रीट मिक्सचर में यूज किया जाता है, एम्बैंकमेंट्स एंड अदर स्ट्रक्चरल फिल जहां पे जरूरत है, जैसे रिवर का एम्बैंकमेंट अगर फ्लडिंग के टाइम टूट गया उसको बनाने में, क्योंकि ये एक मतलब इसमें सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं एंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। सब्सटीट्यूट मटेरियल फॉर क्ले, सॉफ्ट सॉइल को स्टेबलाइज करने के लिए यूज किया जा सकता है, रोड की कंस्ट्रक्शन में जैसे प्लास्टिक का यूज आ रहा है तो फ्लाई ऐश का भी यूज आ सकता है, एग्रीगेट सब्सटीट्यूट मटेरियल फॉर ब्रिक प्रोडक्शन एज वेल, एग्रीकल्चर यूजेस में जैसे सॉइल में चेंजेस लाने के लिए अगर कहाँ पे कहीं पे कमी है मतलब किसी माइक्रो एलिमेंट की तो वहां पे भी यूज आ सकता है, रिवर भी आ सकता है ताकि मेल्ट करने को ले आइस को, जैसे बहुत जगह जो ठंड वाली कंट्रीज है वहां पे आइस को मेल्ट करने की जरूरत पड़ती है, वहां पे स्क्रेपर्स लगते हैं आइस को हटाने के लिए, तो आप फ्लाई ऐश लगा दो जिससे वो आइस जल्दी मेल्ट हो जाएगी, लूज एप्लीकेशन कर सकते हैं आइस कंट्रोल के लिए। सो ये इसकी एप्लीकेशंस है। इश्यूज क्या है जिससे इसकी फुल स्केल यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रही है, सबसे पहले जो हमारा इंडियन फ्लाई ऐश है वो सी क्लास सी वैरायटी का, इसका मतलब इसके पास सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज हैं, हाइड्रोलिक एंड सेल्फ पुजोलैनिंग बेसिकली नॉर्मली तो इसमें नहीं है, बट जब ये फाइन क्वांटिटी में होता है और अगर इसमें पानी वानी मिला देते तो इसमें सीमेंटिंग प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है। एंड जो यूरोपियन फ्लाई ऐश है उसमें हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी नहीं है पर हमारे वाले में है, तो इससे क्या हो सकता है, इसका प्राइसिंग में बड़ा दिक्कत आ रहा है एंड देयर इज नो सच लेजिस्लेशन एंड पॉलिटिकल विल है, लैक ऑफ रेगुलेटरी ओवरसाइट एंड पॉलिटिकल विल है जिसे इनका हम पुअर चीज मतलब कंप्लीटली हम इसको हार्नेस नहीं कर पा रहे। सो दिस वाज अबाउट फ्लाई ऐश, ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स बता सकते हैं आप इसके, कहां पे इसके यूज हो सकती है और फिर हेल्थ एंड एनवायरमेंटल क्या हैजर्ड है इसके, तो दोनों चीजें बता सकते हैं। देन इज अबाउट वर्ल्ड होम्योपैथिक डे, 10 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। 265 बर्थ एनिवर्सरी किसकी, सैमुअल हैनीमैन, ही वाज अ ग्रीक फिलोसोफर, ठीक है, फिजिशियन थे, फाउंडर किया था उन्होंने होम्योपैथी। होम्योपैथी का क्या प्रिंसिपल है, लाइक आर क्योर बाय लाइक्स, ठीक है, जो जैसा है उसको वैसे ही हम ट्रीट करेंगे। एंड किस लिए मनाया जाता है, ताकि भाई मतलब पब्लिक हेल्थ में इसकी स्कोप को बढ़ाया जा सके। होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम इज रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल सिस्टम इन इंडिया अंडर द होम्योपैथिक सेंट्रल काउंसिल एक्ट, ठीक है। तो रिकॉग्नाइज्ड है, जैसे एलोपैथी है, आयुर्वेदिक रिकॉग्नाइज्ड है, वैसे होम्योपैथी भी रिकॉग्नाइज्ड है, तभी तो इसके आप कॉलेजेस वगैरह भी देखते हो, बने होते हैं होम्योपैथिक के। देन इज अबाउट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एस्टैब्लिश अंडर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट, ठीक है, एक्ट से बनी है तो स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंडियन कंपनीज, ठीक है, ताकि वो जो कमर्शियलाइज कर सके जो इंडिजीनस टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाई है, ठीक है, एंड ये इस चीज़ के लिए सपोर्ट किया। देन इज वर्ड कैट, कैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपकी पॉलिटी बुक में दिया हुआ है। कैट इज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, ठीक है, इट वॉज एस्टैब्लिश बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, नेमली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट, 1985 में बनाया गया था इसका, ठीक है। एंड मतलब एज अ सीक्वल टू 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, की भाई पहले 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था, ठीक है, उसमें एज अ सीक्वल टू द 42nd इंसर्टिंग आर्टिकल 323A, ठीक है, इनिशियली तो इसको एक्ट से बनाया था, ठीक है, बट उसको बाद में आर्टिकल 323 के तहत इसको पावर दे दी गई थी। ट्राइब्यूनल एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स एंड कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू पब्लिक सर्विसेज एंड पोस्ट इन कनेक्शन, ठीक है, जो यूनियन या किसी भी स्टेट के रिस्पेक्ट में जो पोजिशंस हैं, जो कंडीशन सर्विसेज हैं, उसके तहत में अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो ये करता है, ठीक है। तो यूनियन, स्टेट और लोकल अथॉरिटी तीनों की ही कंटेक्स्ट की प्रॉब्लम्स ये देखता है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। चेयरमैन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। सबसे पहले चेयरमैन इसका रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सो सुप्रीम कोर्ट का आ जाए तो नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ जाए नहीं, नॉट, इट इज चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जो रिटायर्ड है वो ही इसका चेयरमैन होता है। और इसमें सिर्फ जुडिशियल मेंबर्स नहीं होते, नहीं, 65 मेंबर्स होते हैं जिसमें 33 फ्रॉम जुडिशियल एंड 33 फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम, तो एडमिनिस्ट्रेटिव के भी होते हैं और जुडिशियल के भी होते हैं। आर्टिकल 323A के तहत इसको पावर मिलती है और जो डिस्प्यूट्स हैं उनको ये कंटेन कराता है, ओके। देन इज अबाउट युक्ति, युक्ति स्टैंड फॉर यंग इंडिया कम्बैटिंग कोविड विद टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड नॉलेज, ठीक है, तो नॉलेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके हम कैसे कम्बैट कर सकते हैं कोविड को, तो यंग इंडिया का प्रोग्राम है, MHRD ने इसको लॉन्च किया है, तो ये बस मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, MHRD ने किया है। देन वॉट आर प्राइमोडियल ब्लैक होल्स, ठीक है, तो स्टीफन हॉकिंग की थ्योरी है, ठीक है, दे आर फॉर्म जस्ट आफ्टर द हॉट बिग बैंग एक्सपोज, जब बिग बैंग का एक्सप्लोजन हुआ था, जब हमारा यूनिवर्स बना था उसके बाद से ही प्राइमोडियल ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, एज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कोलैप्सिंग रेडिएशंस, ठीक है, जैसे कि नॉर्मल ब्लैक होल्स है वो किसी कोलैप्स ऑफ मैसिव स्टार से बनते हैं, बट ये कोलैप्सिंग रेडिएशन से बना है एंड इसको हमने, दे आर मैसिवली लार्ज, ठीक है, तो सन से भी काफी लार्ज है जस्ट लाइक नॉर्मल ब्लैक होल्स, बट ये क्या है, क्या डिफरेंस है, रेडिएशन के कोलैप्स करने से बने हैं, तो दीज आर प्राइमोडियल ब्लैक होल्स, ठीक है।
एंड ये हमने किससे डिटेक्ट किए, लीगो, जो लीगो ऑब्जर्वेटरी ग्रेविटेशनल वेव्स वगैरह को डिटेक्ट करती है, तो हमने उससे इसको डिटेक्ट किया है. देन व्हाट इज वायरोसोम, वायरोसोम क्या है भाई, हम इसको हम वैक्सीन बना रहे तो उसका डेवलपमेंट है ये. तो वायरोसोम्स आर एनवेलप्ड वायरस लाइक पार्टिकल्स, ये देखो वायरस लाइक पार्टिकल्स है. वायरस का सर्फेस होता है पर इसके अंदर क्या होता है, मेडिसिन. वायरस जैसा सर्फेस होता है इसके अंदर थेरापेटिक एजेंट होता है. तो इससे क्या हो गया, लिपिड बेस्ड कैरियर से वायरस की तरह ही है, ठीक है, वायरस जैसा ही मेम्ब्रेन है इसका आउटर का. तो इससे क्या होगा, जो ये वैक्सीन है, इस तरीके की वैक्सीन हम बनाएंगे, तो इससे क्या होएगा, ये बाहर जो इसका वायरस वाला मतलब एक पहले तो इस पर डबल डबल बेनिफिट है इसका. पहली बात तो जाते ही ये थेरेप्यूटिक एजेंट को रिलीज कर देगा ब्लड में, तो पहले बंदा ठीक हो जाएगा. फिर जो इसका बाहर वायरस जैसा लेयर है ना, इसे हमारी बॉडी खुद भी प्रोड्यूस करेगी अपनी, जो मैंने आपको बताया एक्टिव इम्यूनाइजेशन, खुद भी प्रोड्यूस करेगी और थेरेप्यूटिक एजेंट भी जाएगा. तो दो तरीके के फायदे होंगे जिससे हम वैक्सीन बनाने में मदद कर सकते हैं, ठीक है. इसमें क्या है कि मतलब वायरस वाले कॉन्स्टिट्यूएंट तो नहीं है, तो ये वो उस मतलब हार्म कॉज नहीं करेगा, बट आपकी बॉडी की मतलब एक बना देगा इम्यूनिटी, ठीक है. देन इज अबाउट वॉर्मीवेट, वॉर्मीवेट क्या है, इंडिजिनस हर्बल मेडिसिन है जिसे डीवॉर्मर कहते हैं, जैसे पेट में कीड़े पड़ जाते हैं उसके लिए हम एल्बेंडाजोल, एल्बेंडाजोल होती है, पर वो एलोपैथी मेडिसिन है. हमने हर्बल मेडिसिन बनाई है डीवॉर्मर, जिसे वॉर्मीवेट कहते हैं, ठीक है. किसने, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने बनाई है, जिससे केमिकल ट्रीटमेंट मिल सकती है जो वॉर्म की है, जो लाइफ स्टॉक वगैरह में प्रॉब्लम आती है, कीड़े पड़ जाते हैं पेट में. सो दिस इज वॉर्मीवेट इंडिजिनस हर्बल मेडिसिन. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. तो WHO एंड ट्राइफेड आर टू क्वेश्चंस फॉर यू टुडे, प्लीज डू आंसर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.